तरह से देखिए, कोई देखेगा तो आइसक्रीम इसको मालूम चलेगा, और उससे बर्फ वाले में जमाया है तो उसको बर्फ मालूम चल जाता है। अब इसी तरह से सारे में हमने डाल दे रहे हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता होगा तो एक लाइक करके जाइएगा। तो देखिए फिर इस तरह से हम सारे में जमा दिए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लंबा नहीं करना चाहते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम ताज़े ताज़े आम से चल रहे हैं मैंगो से बर्फ़ बनाने के लिए। दोस्तों बर्फ़ बहुत आसान तरीका है बनाना इसका है। तो बर्फ़ बनाने चल रहे हैं, तो जैसे देख रहे हैं कि इस समय छुट्टी पड़ा है तो हम लोग कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो हम सोचे लाइए तेल वाला कोई नई चीज़ है ये बर्फ़, चलिए हम बना देते हैं वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लिए हैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिए 2 चम्मच छोटे चम्मच से। यहाँ पे देखिए हमने बड़े चम्मच से 4 चम्मच चीनी ले लिए हैं। अब उसके बाद दूध में उबाल आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम कस्टर्ड पाउडर को, यहाँ पे ठंडा दूध को डालकर पहले कस्टर्ड पाउडर को घोल बनाएंगे। जाके कस्टर्ड पाउडर में एक भी गुटखिया नहीं रहना चाहिए, इस तरह से हमको घोल बनाना है। और दूध हमने अच्छे से पका लिए हैं, थोड़ा सा गाढ़ा दूध को कर लिए हैं पकाकर। यहाँ पे देखिए कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से हमने घोल बना दे रहे हैं। कस्टर्ड पाउडर किराना की दुकान पे बहुत आसान तरीके से मिल जाता है, कोई भी कंपनी के आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चीनी की, जाके हमारे जो बर्फ है थोड़ा सा मिठास बने। अब चीनी डालकर अच्छे से हम इसको चला लेंगे, चीनी जाके अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पे चीनी देखिए गल गया है। चीनी गलने के बाद से इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डाल के तुरंत हमको चलाना पड़ता है, इसको लगातार नहीं चलाएंगे तो नीचे से जलना भी स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा करेंगे, इसको देखिए लगातार चलाते हुए इसको हम गाढ़ा कर ले रहे हैं। थोड़ी सी देख रहे हैं कटोरे में लगा है तो कटोरे को भी इस तरह से हमने धो ले रहे हैं। अब देखिए इसी तरह से हम इसको पकाएंगे। अभी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब गैस को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। इसी तरह से हमको इसको कंडीशन चल रहा था तो इस तरह से देखिए अच्छे से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अभी इंजेक्शन को बंद कर दिया है और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए एक साइड में। अब साइड में ठंडा हो रहा है, इधर जो है आम जो लिए हैं यहाँ पे, तो इस तरह से हमने चाकू से इसको काट लेंगे, बीच का जो सारा निकाल लेंगे अच्छे से साफ करके। इसको आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पक गया है थोड़ा सा, तो चम्मच इस तरह से लेंगे ना तो अच्छा से निकल जाएगा। तो सारे आम को इस तरह से हम निकाल ले रहे हैं एक बार। तो आम को देख रहे हैं कि इस तरह से हम सारे आम को काट के निकाल ले रहे हैं। तो आम इतना ज़्यादा पक गया है ना कि निकल नहीं रहा है, ज़्यादा करके पक गया है। तो इतने सारे आम निकाल कर उसके बाद हम चल रहे हैं मिक्सर में इसको पीसेंगे, एक पेस्ट इसका अच्छे से तैयार करना। इतना सारा आम निकाल लिए हैं, अब इसमें देखिए सारे आम को हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। आम को इसमें डाल दिए हैं, ढक्कन लगा दे रहे हैं, अच्छे से एक पेस्ट इसका तैयार करेंगे जाके आम में एक भी गुटखिया मत रह जाए। अब इसको अच्छे से पीस ले रहे हैं। अब इसके क्या करेंगे, यहाँ पे हम पन्नी भी नहीं बिछाए हैं क्योंकि ये जो हमारा पटनी है ये किचन वाला, तो इसमें का पटनी जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसको बनवाना है, टाइल्स लगवाना है, इसलिए हम जल्दीबाजी में सोच रहे हैं। वीडियो हमारा जैसे था 15 दिन हो गया छूटे हुए, कोई भी वीडियो छूट नहीं रहा, तो हम सोचे लाइए बर्फ़ बना के आप लोग को जमा के मैंगो का दिखा दें, क्योंकि इसमें तो कोई ये नहीं है कि हल्दी पड़ता है चाहे कुछ भी पड़ रहा है, सिंपल तरीके से इसको बनाना है। तो इसलिए हम सोचे कि लाइए दिखाएँ आप लोग को। अब इसको अच्छे से हम मिलाएँगे। तो देखिए अच्छे से हमने इसको मिला दिए हैं। ओके, अब इसके ढक्कन को हम निकाल दे रहे हैं सारे, इसमें का जो लकड़ियां हैं इसको भी निकाल दे रहे हैं। अब इसको अच्छे से हमने धो लिए थे एक बार, अब इसको करछुल से क्या करेंगे इस तरह से हम डालेंगे बीच में।
इस तरह से देख रहे हैं, सारे में हम कैप इसमें डाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद आपके ऊपर जैसे देखते हैं कि कोई भी पन्नी हो, इशू पेपर हो, तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे घर का पन्नी है, जो कपड़ा आता है उसी का पन्नी है। तो इस तरह से हमने लगा के इसके ऊपर से रबड़ लगा दिए हैं। आपको कहीं जाने नहीं पड़ेगा जरूरत। अब इसके देखिए चाकू से हम थोड़ी थोड़ी इसका इस तरह से कर दे रहे हैं। सभी कोने से इस तरह से लगा दे रहे हैं। ये बर्फ हमारा जैसे देखते हैं कि आपके फ्रिज में ज्यादा बर्फ जमता हो, तो ये फ्रिज जैसे देखते हैं 3-4 घंटे में बर्फ जम जाता है। अब यही लकड़ी हम लगाकर इसमें छोड़ दे रहे हैं। आपके पास ऐसे नहीं हो तो आप जैसे देखते हैं, अभी आपको 2-3 किताबें दिखाएंगे बनाकर। तो इस तरह से लगाकर हम ढक्कन नहीं लगा रहे हैं, ढक्कन क्योंकि हमको उतना अच्छा नहीं लगता है लगाने के बाद से। अब इसको इस तरह से साइड कर दे रहे हैं, ले लिए हैं। तो आपके घर में छोटे छोटे गिलास हो तो गिलास में भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से लेके आप गिलास में भी इसको डाल सकते हैं। गिलास में इस तरह से हमने भर लिए हैं। अब भर कर उसके बाद थोड़ी सी और डाल दे रहे हैं ऊपर से। अब उसके बाद गिलास को इस तरह से करने के बाद से यहाँ पे देखिए, आपके पास इस तरह से लकड़ियाँ हो तो इसमें डाल सकते हैं। बीच में इस तरह से डाल के छोड़ देंगे। छोटे बड़े जैसे गिलास आपके पास हो उस तरह से आप जमा सकते हैं आइसक्रीम को। तो इस तरह से देखिए, कोई देखेगा तो आइसक्रीम इसको मालूम चलेगा, और उससे बर्फ़ वाले में जमाए हैं तो उसको बर्फ़ मालूम चल जाता है। अब इसी तरह से सारे में हमने डाल दे रहे हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता होगा तो एक लाइक करके जाइएगा। तो देखिए फिर इस तरह से हम सारे में जमा दिए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लंबा नहीं करना चाहते हैं वीडियो को।